सिविल ऑफ स्टेशन में आपका स्वागत है और आज हम भारत के स्थापत्य कला से संबंधित एक विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे जो कि एक स्तूप है। स्तूप है लेकिन स्तूप के बारे में जानना भी जरूरी है। स्तूप का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जन्म संबोध धर्म चक्र प्रवर्तन और निर्वाण से संबंधित स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। स्तूप एक गुंबदाकार भवन होता है जो भगवान बुद्ध से संबंधित सामग्री और स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता था। अगर स्तूपों को देखें तो स्तूप चार प्रकार से बनवाए जाते थे। पहला था शारीरिक स्तूप। ये स्तूप ऐसे होते थे जिसमें भगवान बुद्ध के और बौद्ध धर्म के अन्य धार्मिक व्यक्तियों के शरीर के अवशेष रखे गए हैं, जैसे कि अस्थियां हैं, बाल हैं या दांत हैं। तो ये जो स्तूप बनवाए गए इनमें इन चीजों को रखा गया है जो बौद्ध धर्म के धार्मिक व्यक्तियों के शारीरिक अंग हैं। और इसके अंतर्गत हम सांची के स्तूप को जानते हैं। अगला है पारिभोगिक स्तूप। ये स्तूप उन चीजों के रखने का केंद्र है जो भगवान बुद्ध के द्वारा अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता था, जैसे कि भिक्षा पात्र, छड़ी या चरण पादुका है। तीसरा है उद्देश्य का स्तूप। भगवान बुद्ध के द्वारा अपने जीवन काल में जहां जहां पर यात्रा किया गया या जो उनके जीवन से संबंधित स्थान थे उन स्थानों पर उद्देशिका स्तूप का निर्माण किया गया था। चौथा था पूजार्थक स्तूप। ये स्तूप जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, पूजा के लिए बनाए गए हैं, उनके आस्था के लिए जगह जगह पर बनाए गए हैं, उन्हें पूजार्थक स्तूप कहते हैं। अगर हम स्तूप में देखते हैं तो धम्मेक स्तूप भी एक बड़ा स्तूप माना गया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में ये स्थित है जो कि बनारस से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में कराया गया था और 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के शासकों द्वारा भी इसे पूर्ण कराया गया था। महान इतिहासकार कनिघम ने सर्वप्रथम इस स्तूप के मध्य की खुदाई करा करके 1 मीटर या 3 फुट नीचे एक शिलापट प्राप्त किया था। इस शिलापट पर 7वीं शताब्दी की लिपि में धर्म हेतु प्रभावा मंच अंकित है और इस आधार पर यह माना गया कि संभवतः ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित स्तूप बनाया गया है। इस स्तूप में जो प्रयुक्त ईंटें हैं वो लगभग 14.5 इंच लंबे, 8.5 इंच चौड़े और 2.5 इंच ऊंचे हैं। इस स्तूप के निकट ही मौर्य साम्राट अशोक का अशोक स्तंभ पाया गया है और ऐसा माना जाता है कि धम्मेक स्तूप डियर पार्क में स्थित है और ये वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी। इस स्तूप को इसके बनने की अवधि से आज तक लगभग 6 बार बड़ा किया गया है, अर्थात जब ये स्तूप बनाया गया था तब छोटा था लेकिन 6 बार बना बना करके इसको ऊंचा किया गया है। इसके बावजूद भी इसके ऊपरी सिरे का हिस्सा आज भी अधूरा है। इस स्तूप की नींव मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में भी हुआ था लेकिन गुप्त काल में ये अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। हम देखें तो सम्राट अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में कई स्तूपों का निर्माण किया गया था और इन स्तूपों में गौतम बुद्ध से संबंधित निशानियां रखी गई थी। धम्मेक स्तूप के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और यहीं पर उन्होंने आर्य अष्टांग मार्ग की अवधारणा को बताया था जिस पर चलकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस स्तूप के नामकरण के बारे में धारणा है कि धम्मेक या धम्मेक स्तूप बोलते हैं और विद्वानों का मत है कि संस्कृत के धर्मेज्ञा शब्द से ये निकला है। अगर हम 11वीं शताब्दी के मुद्रा को देखें तो उस पर धम्माक जयतु लिखा है जिससे इसकी उत्पत्ति का उस मुद्रा पर लिखे शब्द से संबंधित होना संदेहास्पद लगता है। इस मुद्रा में इस स्तूप को धम्माक कहा गया है।
इसे लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कर्णिघम ने धम्मेक शब्द को संस्कृत शब्द धर्मोपदेशक का संक्षिप्त रूप स्वीकार किया है और ये माना है कि भगवान बुद्ध ने चूंकि यहाँ पर धर्म चक्र सबसे पहले प्रारंभ किया था इसलिए संभव है कि इस कारण ही इसका नाम धम्मेक रखा गया है। चीनी यात्री जुआंग चांग जो 5वीं शताब्दी में सारनाथ आया था उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि उस समय कॉलोनी में 1500 से ज्यादा धर्माचार्य थे और मुख्य स्तूप उस समय लगभग 300 फीट ऊंचा था, तो उस हिसाब से माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में ये स्तूप काफी ऊंचा था। ये सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। धम्मेक स्तूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की तरह बनाया गया है। धम्मेक स्तूप का व्यास 28.35 मीटर या 93 फुट और इसकी ऊंचाई 39.01 मीटर या 143 फीट की आज के समय में है। इसका मतलब यह है कि 300 फीट जब ये ऊंचा था तब से इस स्तूप में कुछ ना कुछ हानि ही होती गई है। 11.20 मीटर तक इसका घेरा सुंदर अलंकृत शिला पट से आच्छादित है। धम्मेक स्तूप को बनवाने में ईंटें और रोड़े का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में इसमें पत्थर भी लगाए गए हैं। स्तूप के निचले तल में शानदार फूलों की नक्काशी की गई है। धम्मेक स्तूप आच्छादन कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। अलंकरणों में मुख्य रूप से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है। इसके साथ विविध आकृतियां और फूल पत्ती के कटाव की बेलें बनाई गई हैं। इस प्रकार के वल्लरी प्रधान अलंकरण बनाने में गुप्त काल के शिल्पियों को महारत हासिल थी, तो इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि ये जो आकृति है वो गुप्त काल के कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। तो इस प्रकार देखें तो धम्मेक स्तूप भारत के स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है और अपने समय में ये एक विशाल स्तूप रहा होगा। 2500 साल की अवधि में विभिन्न प्रकार के मौसमों में विभिन्न परिस्थितियों में और कई प्राकृतिक आपदाओं में भी आज अपने को सुरक्षित रखकर अपने गौरव की कथा को कह रहा है। धम्मेक स्तूप ऐतिहासिक इमारत के साथ साथ भारत की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ भी स्मारक माना गया है।